नॉट ओनली इन कंप्यूटर इन रियल लाइफ प्रॉब्लम हैंडलिंग ऑल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ व्हाट इज दैट थ्री वर्ड्स यू जस्ट सी फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट. Now, why I am saying that these three words, कोई unmute कर लीजिए, disconnect कर लीजिए audio. अगर class में कोई on किए तो audio disconnect करिए, क्योंकि यहाँ पर फिर noise होगा. तो fetch, decode and execute. Fetch का मतलब क्या है? To search anything. ठीक है ना? तो whenever you want to fulfill any objective, then your initial बोल रहे हैं किसी का माइक म्यूट है, उसको डिस्कनेक्ट करिए ऑडियो. क्लास में कोई कनेक्ट किए हुए, जस्ट डिस्कनेक्ट ऑडियो. नाउ ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बाकी कंटेंट आप देख सकते हैं. आवाज मेरी जा रही होगी आपके पास? नहीं जा रही आवाज? जाएगी आवाज? हाँ ठीक है, वो जनरल साइकोलॉजी है. आवाज जा रही है ना जी? जब आवाज नहीं जा रही है तुमको नहीं, और रिस्पांस कैसे कर रहे हो जी? हम कुछ भी बोले तुमको बोलना ही नहीं चाहिए कि नहीं, यस नो कुछ नहीं. बट यू आर सेइंग दैट नहीं सर, मतलब कि वहां तक पहुंच रहा है, यू आर रिस्पॉन्डिंग. बात नहीं, आई एम सेंडिंग समथिंग, यू आर रिसीविंग समथिंग, दैट्स व्हाई यू आर एक्नॉलेजिंग मी. एंड वंस एक्नॉलेजमेंट कम्स फ्रॉम योर साइड, देन आई थिंक दैट ईच एंड एवरीवन गेट माय वॉइस. तो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दिस थ्री वर्ड्स. व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थ्री वर्ड्स इन योर रियल लाइफ? बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन रियल लाइफ, बिकॉज वेन एवर यू डिस्कस द कंप्यूटर, यू आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर सॉल्व. आप कंप्यूटर का यूज क्यों कर रहे हैं? आप कंप्यूटर का यूज इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. ठीक है? तो व्हेनेवर यू वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, देन व्हाट इज द प्राइमरी स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा? एनीवन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्राइमरी स्टेप्स? यस, प्राइमरी स्टेप्स इज टू सर्च द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन सर्च करना पड़ेगा. जैसे अगर आप कोई मैथमेटिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल एप्लीकेशन में इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो सब बंद कर दो, ये सब काम नहीं करना है. ठीक है ना? जब कहा जाएगा तब करिएगा. एनोटेशन हम क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि बीच में आपको जो है जब जरूरत होता है तो आप उसको यूज कर सके. ठीक है ना? डिजेबल कर देंगे तो फिर आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे. तो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट. तो फेच का मतलब क्या है? फेच का मतलब होता है टू सर्च एनीथिंग. तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फार्मूला सर्च करना पड़ेगा कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो दैट इज द सर्च. तो देयर आर सो मेनी फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप, बट यू आर सर्चिंग द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो यू जस्ट गो फॉर दैट फार्मूला ओनली. तो there is a list of formula in which there is a formula for finding area of triangle, rectangle, ठीक है ना? Other shape also. So
वहां से लिस्ट से आपको चूज करना होगा, तो फॉर दैट यू आर डिकोडिंग। आपको चूज करने का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू टेक डिसीजन की आउट ऑफ सेवरल फॉर्मूला विच फॉर्मूला इज सुटेड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वंस यू फाइंड द सोल्यूशन, वंस यू टेक द डिसीजन ओवर दैट स्पेसिफिक फार्मूला, देन ओनली यू कैन परफॉर्म और सप्लाई एनी डेटा टू फाइंड आउट द एरिया। नाउ दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आई एम जस्ट शेयरिंग द पर्टिकुलर एग्जाम्पल, मैथमेटिकल एग्जाम्पल। इन रियल लाइफ प्रॉब्लम यू कैन सेलेक्ट एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो वेन एवर यू हैव ए प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च द सोल्यूशन। नाउ सपोज जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइक पेन। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइक पेन, कॉपी, बाइक, एनी प्रोडक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। तो टू परचेज पेन, वट इज योर इनिशियल स्टेप, क्या स्टेप लेंगे? सबसे पहले आप क्या लेंगे? एक पेन खरीदना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप उस पेन को खरीदने के लिए पहले तो ये तय करेंगे कि ऑफलाइन हमको ये काम करना है या ऑनलाइन करना है। नाउ डे अब ये भी डिसीजन आपको पहले ही लेना होता है सर्च इनिशिएट करने से पहले, क्योंकि ऑनलाइन लेना होगा तो आपको फिर ब्राउजर पर उस URL को टाइप करना होगा जिस ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू आप उसको परचेज करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑफलाइन करना होगा तो सबसे पहले आपको उस स्टेशनरी शॉप को सर्च करना होगा जहां से आप उस पेन को परचेज करेंगे। दैट मीन्स दैट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ सर्चिंग। एंड वंस द सर्चिंग इज ओवर एंड यू जस्ट एलोकेट योरसेल्फ ऑन द शॉप इन ऑफलाइन मोड, सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ ऑफलाइन मोड, देन यू हैव टू टेक डिसीजन। आपको डिसीजन लेना होगा कि आउट ऑफ सेवरल पेन विच पेन यू वांट टू परचेज। Getting the point? Yes, sir. Now that is the phase of decoding. That is the decoding phase in which you are taking decision to finalize the execution part. Execution is the final outcome of the result or objective, whatever objective you want to create or you want to get from the particular system. So once you take the decision that to particular humko is pen ko purchase karna hai, then you just pay for that. Yes. And after that, the pen is in your hand, your objective is fulfilled. आपका जो ऑब्जेक्टिव था कि एक पेन हमको चाहिए, उसको परचेज करना है ऑफलाइन मोड में, वो पूरा हो गया। नाउ इन 24 आवर्स दिस थ्री वर्ड्स कंकरेंटली एग्जीक्यूटेड एंड रन इन योर सिस्टम, इन योर फिजिकल सिस्टम। आपके साथ ये तीनों काम सुबह से लेकर रात तक, यानी कि 24 घंटा में नंबर ऑफ टाइम्स आप करते हैं। Now, why I discuss these three words? Because the three words take a very important and vital role in computer. Okay, in computer also you are doing the same job number of times whenever you are in search of any application or program to access it. So, ab hamare computer mein kya hai? So, what is fetch? Fetch ka matlab kya hua? That means, agar humko word mein kaam karna hai, तो वर्ड को क्लिक करेंगे तो अब ये क्या है, क्या बोलेंगे कि सर्च तो हमने मैन्युअली खुद किया, लेकिन कंप्यूटर में ये कौन करेगा? तो देयर इज ए स्पेसिफिक मेमोरी, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फेच? फेच मींस टू सर्च, ठीक है ना, टू सर्च एनीथिंग। एंड डिकोड मींस टू टेक डिसीजन ना। एंड व्हाट इज एग्जीक्यूट? टू फाइनलाइज द ऑब्जेक्टिव। एनी टाइम व्हेनेवर जब भी आपके माइंड सेट में कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम गेट्स प्रॉपर सोल्यूशन वंस यू कंप्लीटेड ऑल द थ्री स्टेप्स लाइक फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। So anytime, whenever you have a problem, you search the solution for that problem. So searching is the initiation of that initiation for the solution. And once you get a solution, then you take decision out of several options, which one? Like whenever you are searching any URL, so koi URL ya koi topic agar aap search karte hain, so you will get several links. So whenever you are initiating the search, yani ki fetch,
तो फेचिंग इनिशिएट करने के बाद आपके पास सेवरल लिंक आता है, उस सेवरल लिंक में से आई थिंक दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज द फर्स्ट पेज ऑफ द लिंक, देर आर मोर देन 10 पेजेस बट द फर्स्ट पेज कंटेन्स द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर सर्चिंग. तो ड्यू टू SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, आपका जो सबसे पहला पेज होगा उसमें आपको सॉल्यूशन सबसे पहले पेज में ही मिल जाएगा. तो यू डोंट गो फॉर द सेकेंड और थर्ड और अदर लिंक पेजेस. तो वंस यू विल गेट द लिस्ट ऑफ लिंक पेजेस देन यू टेक डिसीजन. डिकोडिंग का मतलब है वहां डिसीजन ले रहे हैं कि आउट ऑफ सेवरल लिंक विच लिंक इज द सुटेबल फॉर योर ऑब्जेक्टिव. आपके ऑब्जेक्टिव को जिससे पूरा किया जा रहा है. खड़ा हो जाओ, तुमको बोल रहे हैं ना कि मोबाइल अगर कनेक्ट किया डिस्कनेक्ट करो ऑडियो. नहीं नहीं तो डिस्कनेक्ट करिए, बीच में हम बार बार बोल रहे हैं कोई भी मोबाइल अगर ऑन किए हैं कनेक्ट हैं तो वो डिस्कनेक्ट करिए, ऑडियो को डिस्कनेक्ट करिए क्योंकि आवाज मेरी जा रही है. आपको मोबाइल से आवाज सुनने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी आवाज इस क्लास के बाहर तक जा रही है, दूसरे क्लास में, ठीक है ना. एंड इफ यू आर कनेक्टिंग द ऑडियो इन योर मोबाइल एंड देन द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इको अकर होगा. तो बीच में कोई किए होंगे जिसके चलते आपको आवाज नहीं जा रही है. पीछे तक जा रही है ना आवाज जी, बोल कैसे रहे हो? नो सर, यस सर. खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, पीछे से बैठ जाओ, पीछे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, लास्ट बेंच. क्या बताया अभी? दिख रहा है? ये दिख भी नहीं रहा है तब तो बहुत दिक्कत है. पावर नहीं ना जी, चश्मा नहीं ना लगा हुआ है तुमको? नहीं नहीं मोबाइल छोड़ दीजिएगा. आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर लिए हैं इफ द विजन प्रॉब्लम यू हैव देन डिसकनेक्ट ऑडियो. इफ यू कनेक्टेड ऑडियो देन द इको अकर. आई रिपीटेडली सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट डिसकनेक्ट ऑडियो वेन एवर यू आर कनेक्टिंग विथ मोबाइल, ठीक है ना. अगर आप मोबाइल में ऑडियो आपका कनेक्ट होगा तो आवाज नहीं जाएगा. बीच में आप बताइए क्या अभी तक हम लोग डिस्कस किए? यस, लास्ट बेंच यहाँ पर. हाँ बता, आप ही बताओ. खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए. क्या बताया अभी एग्जीक्यूट के बारे में? बैठ जाओ, चलो पीछे खड़ा हो जाओ जी, मास्क लगा रहे हो, खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. इतना समय लगता है जी खड़ा होने में. फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये तीन वर्ड तो सुनाई दे रहा होगा. हाँ तो ये तीन वर्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ आप करते हैं यही चीज अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे. अभी आवाज जा रही है आपके पास? तो अब बताइए कि फेच का मतलब जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है वहां पर? यहाँ जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है कि और फॉन्ट को बड़ा किया जाए? नहीं दिख रहा है, बड़ा किया जाए. अब दिख रहा है? बहुत ज्यादा हो गया सर. हाँ अब दिख रहा है? तो फेच का मतलब क्या लिखा हुआ? टू सर्च एनीथिंग, ठीक है ना. तो कोई भी चीज आपको जब करने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उसको ढूंढेंगे. अगर आपके पास बैग है, बैग में से हम बोले कि आप बैग से पर्टिकुलर बुक निकालो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बैग के अंदर उसको सर्च करेंगे कि वो बुक है भी कि नहीं. अगर बुक नहीं होगा तो सर्च अनसक्सेसफुली कंप्लीट होगा, है ना. बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाता होगा जो अनसक्सेसफुली कंप्लीट. क्यों? क्योंकि सर्चिंग इज नॉट प्रॉपरली डन, यानी बफरिंग नहीं हुआ, डेटा अवेलेबल नहीं है. आपके सिस्टम में भी वही बात है. बैठ जाओ, बैठ जाओ. आपके सिस्टम में भी बहुत सारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, लेकिन जो प्रोग्राम आपके सिस्टम में होगा वही एक्सेस होगा. आप आज बैग में जो रख के आए होंगे वही बैग से बाहर निकलेगा, और अगर नहीं निकल रहा है इसका मतलब है कि देयर इज ए लैक ऑफ
दैट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का वहां पर कमी है, अगर उसको वो प्रोग्राम अवेलेबल होता तो जरूर एग्जीक्यूट हो जाता। तो आपको बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जो अनसक्सेसफुली कंप्लीट होगा ड्यू टू रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी, आपका रिसोर्स पूरा नहीं होने के कारण, अवेलेबल नहीं होने के कारण वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन रियल लाइफ में एवरी टाइम व्हेन एवर यू हैव ए प्रॉब्लम यू हैव टू सर्च द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम एंड एट द सेम टाइम व्हेन एवर यू आर सर्चिंग द प्रॉब्लम, यानी सॉल्यूशन निकालने के समय, प्रॉब्लम सर्च करने के समय, सॉल्यूशन निकालने के समय जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है। अब उस ऑप्शंस में से आपको एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है, दैट इज द डिसीजन मेकिंग जॉब। अगर आप डिसीजन सही लिए तो आगे का आपका एग्जीक्यूशन सही होगा, अगर डिसीजन सही नहीं लिए तो आगे का एग्जीक्यूशन भी सही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग एडमिशन इन BCA, BBA और एनी कोर्स, तो ये आपका बहुत सारे कॉलेज हैं, यू जस्ट गो फॉर सर्चिंग द बेस्ट कॉलेज। तो आफ्टर सर्चिंग यू विल हैव टू टेक डिसीजन, आपको डिसीजन लेना होगा, तो दैट इज द डिकोडिंग फेज। ऑलवेज यू आर टेकिंग डिसीजन, वंस यू टेक डिसीजन तो आप आउट ऑफ सेवरल कॉलेजेस यू आर फाइनलाइज एनी पर्टिकुलर कॉलेज टू टेक एडमिशन। तो एक जिसको फाइनलाइज किए वहां पर आप जाकर एडमिशन पर्टिकुलर कोर्स में लेते हैं, इसका मतलब क्या है, योर ऑब्जेक्टिव फॉर टेकिंग एडमिशन ऑन इन रिस्पेक्टिव कोर्स इज कंप्लीटेड। नाउ आफ्टर दैट अगेन फेज डिकोड एग्जीक्यूट इज कंटिन्यू, आफ्टर टेकिंग एडमिशन अगेन यू हैव टू एकम्प्लीट 3 years, आपको 3 साल पूरा करना है। तो अगर BCA, BBA, BSc, IT या BCom किसी भी कोर्स में, BVM किसी कोर्स में आप एडमिशन लिए तो आप 3 साल फिर वही काम करना है, फेच डिकोड और एग्जीक्यूट। यानी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट फेस करना होगा, एग्जामिनेशन फेस करना होगा। तो आप फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर के किसी पेपर या सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, यू ऑलवेज थिंक अबाउट द सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू योर फर्स्ट ईयर। वंस यू पास द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट ईयर देन यू थिंक अबाउट द सेकेंड ईयर, आफ्टर दैट थर्ड ईयर। That means कि ये आपका 3 साल का लाइफ साइकिल होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव का लाइफ साइकिल होता है, कुछ लाइफ साइकिल कम ड्यूरेशन का होता है, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो ये ड्यूरेशन आपका तय करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव का लाइफ साइकिल क्या होगा। तो अगेन 3 years के को भी ब्रेक करना चाहे तो 1 year में भी आप ब्रेक कर सकते हैं। यू कैन see the example that some of the college or university offer semester pattern. So 1 year में भी 2 semester होता है, तो वहां पर भी फिर 2 semester में first semester, second semester, यानी second semester के बारे में सोचने से पहले first semester का solution निकालना पड़ेगा। तो number of times you are doing the fetch, decode and execute operation. Why I am discussing these things? Because whenever we are going to use and access the computer, then number of times you are doing the same job, fetch, decode and execute. Now, अब यहाँ question है, यहाँ तो आप सब कुछ आप ही कर रहे हैं, यानी कि आपको कोई objective दे दिया गया, problem, आप ही उसको search भी कर रहे हैं, resource कुछ भी हो, आप ही आप उसको क्या कर रहे हैं, decision भी आप ही का हो रहा है और execution भी आप ही के साथ हो रहा है final, यानी degree भी आप ही को मिलेगा। एडमिशन लेने के समय कॉलेज भी आप ही ने सर्च किया, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है ये भी डिसीजन खुद आपने लिया, गार्जियन के असिस्टेंस या गार्जियन के साथ लेते हुए आपने लिया होगा। और फिर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी करके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करके किसी कोर्स में कहीं प्लेस्ड हो जाते हैं किसी कंपनी में। तो अब किसी कंपनी में प्लेस्ड होते हैं वो फिर आपका अगेन सेकेंड ऑप्शन हो गया, यानी पहला तो था कि डिग्री कंटेक्ट करना, तो डिग्री कलेक्ट करने के बाद आपको सोचना है कि वी हैव टू प्लेस, तो प्लेस करने के लिए फिर आपको सर्च करना होगा, देयर आर सो मेनी कंपनी, तो आपको किस फील्ड में जाना है, अगेन यू हैव टू परफॉर्म सर्चिंग फॉर जॉब एज पर योर ब्रांच और फील्ड। तो इफ यू आर फ्रॉम IT देन यू सर्च द जॉब फॉर IT सेक्टर, इफ यू आर फ्रॉम द मैनेजमेंट देन यू सर्च द जॉब फॉर मैनेजमेंट सेक्टर। तो लाइफ टाइम दिस थिंग्स अकर इन योर साइड। तो आप फिर सर्च करेंगे जॉब, जॉब में से बहुत सारा जॉब का आप इंटरव्यू देंगे,
उसमें से किसी एक में आपको फाइनलाइजेशन होगा। जिसमें फाइनलाइजेशन होगा उसका ऑफर लेटर मिलेगा। ऑफर लेटर मिलने का मतलब है कि यू आर गोइंग टू ज्वाइन दैट कंपनी, ठीक है ना, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दैट कंपनी यू बिकम द एम्प्लॉई ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन फिर ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, ये फिर चलते रहेगा, ठीक है ना। आपको नया असाइनमेंट दिया जाएगा और उस असाइनमेंट के लिए फिर आप सर्च करना शुरू करेंगे। यानी कि इट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस एंड यू कैन नॉट इमेजिन टू फुलफिल एनी ऑब्जेक्टिव इन एब्सेंस ऑफ दिस थ्री वर्ड्स। तो इन कंप्यूटर ऑल्सो बिकॉज द कंप्यूटर इज मैन मेड मशीन, तो कंप्यूटर के अंदर भी ये तीनों प्रक्रिया कॉन्करेंटली चलते रहता है जब तक कि आपका सिस्टम ऑन होता है। Are you getting the point? What is the impact or importance of these three words, fetch, decode and execute? क्योंकि at the moment when you on your system, at उसी समय से आप ये सोचना पहले शुरू करते हैं कि सिस्टम में तो बहुत सारा प्रोग्राम है, आपको किस प्रोग्राम को यूज करना है। तो आउट ऑफ सेवरल आइकन यू जस्ट मूव द पॉइंटर ऑन दैट लोकेशन विच इज रिक्वायर्ड टू यू। तो आपको MS Word, Excel सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप MS Word में काम करना चाहते हैं तो MS Word को पॉइंटर ले जाकर वहां पर डबल क्लिक या राइट क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट जो आप दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन हुआ कि अब जब आप रिक्वायरमेंट प्लेस कर दिए तो उसके बाद क्या होगा। तो इनसाइड कंप्यूटर विच मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द सर्चिंग ऑपरेशन, एनी वन? इनसाइड यू ऑल्सो देर इज ए टू टाइप ऑफ मेमोरी, देर इज ए प्राइमरी मेमोरी, देयर इज ए प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और आई थिंक दैट की इन रियल लाइफ ऑल्सो यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एवरीथिंग यू डू नॉट देयर इज नॉट दिस इज नॉट पॉसिबल टू कीप ईच एंड एवरी contents in your primary memory because there is a storage limitation. आपका जो primary memory है वो बहुत कम data को रख सकता है, और ज्यादा data अगर भर देंगे तो वो overloaded हो जाएगा, और जब overloaded हो जाएगा तो फिर उसको doctor का जरूरत पड़ जाएगा, medicine का जरूरत पड़ जाएगा। तो your computer also overloaded because the primary memory responsibility is fulfilled by RAM. और RAM का जो साइज है वो लिमिटेड होता है, और सेकेंडरी मेमोरी का जरूरत यानी हार्ड डिस्क का जरूरत इसीलिए है क्यों, जैसे आप बैग लेकर चल रहे हैं, why you are taking bag? Just to carry certain contents, some books, some notes, some accessories inside the bag. Because that notes, books are not kept in a logical manner. वो सारे चीज आप logically, सारे book का जो है chapter आप logically नहीं रख सकते हैं अपने physical, जो आपका RAM है यानी primary memory है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, you just take the assistance of bag and just place all the notes and books inside the bag. So your hard disk is just like that. तो आप बैग में ऐसा भी बहुत सारा चीज रख लेते हैं कभी कभी जब बाहर निकलते हैं, जो अननेसेसरीली कभी कभी आप यूज करते हैं, नेसेसरीली वो आपका आइटम नहीं है, लेकिन आपको लगता है कभी जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो आपके सिस्टम में भी बहुत सारा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, जब आप परचेज करने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो आपके काम का हो वो भी, जो नहीं काम का है वो भी। इसका मतलब कि जितना चीज इंस्टॉल किया सब यूज कर लेंगे, आप यूज उसी को करते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट का होता है। आपको जो चीज पढ़ना है वो चीज आप यूज करते हैं, जो आपके यूज का नहीं है वो आपके हार्ड डिस्क में रखा रहता है। क्यों रखा रहता है, फ्यूचर एक्सेशन करने के लिए, भविष्य में कभी यूज करना पड़ा तो आपको फिर से उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा आपके पास। सिमिलरली आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, क्या मतलब है कि जैसे सिस्टम ऑन करते हैं प्रिंट देना शुरू कर देते हैं, नहीं, लेकिन प्रिंटर अगर रखे हैं तो क्यों रखे हैं, कभी भी हार्ड कॉपी अगर निकालना पड़ा तो हमको प्रिंटर की आवश्यकता होगी, और जब प्रिंटर की आवश्यकता होगी तो प्रिंटर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा तब हम कभी भी प्रिंटर को कमांड दे सकते हैं कि वो प्रिंट निकाल कर
दे दे। तो देर आर सर्टेन प्रोग्राम्स विच इज इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर फॉर फ्यूचर एक्सेशन एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज एंड एक्सेस ईच एंड एवरी प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड परमानेंटली इन द हार्ड डिस्क विच इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का यहाँ पर कंसेप्ट है, दो मेमोरी है, एक वर्किंग और दूसरा नॉन वर्किंग। एवरीथिंग इज केप्ट इन नॉन वर्किंग मेमोरी। आप बोल सकते हैं योर सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वर्किंग मेमोरी बिकॉज इट इज ओनली यूज फॉर परमानेंटली रिसाइडिंग ऑफ द प्रोग्राम्स। क्योंकि आपका प्रोग्राम्स वहां होगा तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो फेच डिकोड एग्जीक्यूट। अब ये फेच कंप्यूटर में कैसे इनिशिएट होता होगा? आप जैसे ही रिक्वेस्ट देते हैं किसी चीज का तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिसोर्स एलोकेट करने की कोशिश करता है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम खुद नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कि एक कंट्रोल सिग्नल इसका जनरेट होना चाहिए ताकि फेचिंग इनिशिएट हो। अब फेच कौन करेगा? अगर आपको कोई सवाल दे दिया जाए तो आप स्ट्रेस किसको देते हैं? अपने प्राइमरी मेमोरी को। आपके प्राइमरी मेमोरी ये कहता है कि बैग में इसका सोल्यूशन है, अगर कॉपी निकाल लो तो लिख सकते हो। आपका प्राइमरी मेमोरी कहता है कि मोबाइल के सर्च इंजिन गूगल को में इसको टाइप किया जाए सोल्यूशन निकल सकता है, तो मोबाइल ऑन रहेगा तो सोल्यूशन मिल सकता है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी कह रहा है। तो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस विच इज प्रोवाइडेड जस्ट फॉर इनिशिएट द सर्चिंग। अब ये क्या है कि जब मोबाइल में आप सर्च करेंगे तो वो आपके प्राइमरी मेमोरी में बफरिंग होगा, यानी वो लॉजिकली आपके प्राइमरी मेमोरी में लोकेट होगा। आप वहां देखेंगे फिर आप बताना शुरू करेंगे। अगर आपके पास कोई कंटेंट आपके बैग में होगा तो आपका प्राइमरी मेमोरी इनिशिएट करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सोल्यूशन दो पेज में लिखा गया है इस कॉपी में, निकालो मिल जाएगा। तो आप कॉपी निकालेंगे सोल्यूशन इनिशिएट कर देंगे। अब गलती से कोई तीन चार कॉपी निकाल लिए तब उसमें डिसीजन लेना पड़ेगा किसमें से किसमें है। तो ये आपका कॉपी होगा तो आप ले लेंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स यू आर डूइंग द सेम फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो इनसाइड द कंप्यूटर व्हेनेवर यू सबमिट द रिक्वेस्ट देन योर प्राइमरी मेमोरी इनिशिएट द फेचिंग जॉब। प्राइमरी मेमोरी फेच करेगा। अब ये प्राइमरी मेमोरी अनसक्सेस हो सकता है कब? जैसे अगर कोई आपने फाइल बनाया और वो फाइल जो है एमएस वर्ड का था और बनाने के बाद डेस्कटॉप पर उसको रख दिए और एमएस ऑफिस को आपने अनइंस्टॉल कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि उस फाइल को क्लिक कर रहे हैं ओपन करने के लिए। अब ये आपका फाइल अनसपोर्टेड टाइप हो गया तो आपका प्राइमरी मेमोरी चाहकर भी उसको ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस रिसोर्स का यूज करके आप उस फाइल को बनाए थे उस रिसोर्स को आपने डिलीट कर दिया। ये काम आप मोबाइल में भी हो सकता है। आप मोबाइल में कोई एप्स को डाउनलोड किए, उस एप्स के थ्रू सपोज करें स्कैनर कोई डाउनलोड किए और उस स्कैनर के थ्रू कुछ स्कैन करके कंटेंट्स रखे, अब वो स्कैनर आपका अनइंस्टॉल्ड हो गया, डिलीट कर दिया, तो क्या वो फाइल बिना कोई अदर स्कैनर के ओपन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे अगर रिसोर्स या सपोर्टिव फाइल टाइप अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपका वो एक्सेस, हाँ वो फाइल फिर से एक्सेस कैसे होगा? फिर से एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर लेंगे तो वो फाइल भी एमएस वर्ड का फाइल भी काम करना शुरू कर देगा। तो दैट इज द इंपैक्ट। आई थिंक दैट कि फेच डिकोड एग्जीक्यूट समझ में आ रहा होगा। पीछे खड़ा हो जाओ, तुम भी पीछे पीछे तुम खड़ा हो जाओ एंड जस्ट शेयर सम एग्जांपल्स। कोई एग्जांपल आप बताइए जिसमें फेच डिकोड एग्जीक्यूट, बिकॉज रियल लाइफ में बहुत सारा आपको प्रॉब्लम मिला होगा। आप कोई एक असाइनमेंट या प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ा और उसके लिए आपने ये तीनों स्टेप से गुजरा, जो गुजरे उसको बताइए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, आ जाओ इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, आओ। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम जैसे अभी आपको आवाज नहीं जा रही थी, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना? तो यू हैव टू सर्च। आप बताइए कोई भी प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम अभी तक आप फेस किए होंगे, उसमें से कोई एक जैसे अभी भी फेस किए तो उसी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें फेच क्या किया? फर्स्टली फेच
If you feel comfortable in Hindi, you just speak in Hindi. आपका कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो सबसे पहले बोलेंगे लोकेशन. जब भी हम मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें हम लोग कहीं किसी जगह पर जाना होता है तो वहाँ के लिए हम लोकेशन यूज करते हैं. मोबाइल में मैप यूज करते हैं, गूगल मैप. जब भी हम लोग मैप यूज करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को सर्च करने के लिए कुछ लिखना होता है. लिखते हैं, जगह का नाम लिखते हैं, लिखने के बाद हमारे पास उसमें सब दिख जाता है, डायरेक्शन, रोड, बस से सब सभी तरह के दिख जाती है. तो हम लोग पहले देखते क्या उसमें डायरेक्शन देखते हैं कि हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों को डायरेक्शन किस डायरेक्शन से जाना होता है और किस कैसे कैसे हम लोग टर्न्स लेंगे. गूगल मैप का गुड, वेरी गुड. गूगल मैप का ये एग्जांपल बहुत सही है क्योंकि गूगल मैप में व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, योर ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द लोकेशन बिकॉज यू आर अननोन फॉर दैट पर्टिकुलर सिटी और टाउन. सो यू आर जस्ट प्लेसिंग द लोकेशन, प्लेसिंग द पर्टिकुलर एरिया वेयर यू वांट टू मूव. एरिया या नाम, वो जगह का नाम आप प्लेस करते हैं, उसके बेसिस पर सर्च होता है. अब उस एरिया में हो सकता है कि बहुत सारा अलग अलग सब लोकेशन हो, उसमें से सब लोकेशन में से आपको सर्च करना, आपको एग्जैक्ट सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस एरिया में. जैसे आप ओला बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, आप ओला को बुक करने जा रहे हैं तो आपको अपना सोर्स एंड बताना होता है कि आपको ओला पिक कहाँ से करेगी, ठीक है. तो अब वहाँ पर क्या है कि अगेन फेचिंग इनिशिएट होगा. तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, पहले ओला सर्च किया, ओला मिल गया, तो फिर आप अपने लोकेशन को शेयर करते हैं. लोकेशन को शेयर करने से ओला आपके लोकेशन तक पहुंचता है, यानी कि दोनों दो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है. एक तो ओला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको और एक आप सर्विस ले रहे हैं, यानी आप सर्विस लेने वाले हैं, वो सर्विस देने वाला है. दोनों को लोकेशन चाहिए और पर्टिकुलर लोकेशन के लिए जो आपका रिसोर्स यूज किया जा रहा है गूगल मैप या जो भी आपका पर्टिकुलर लोकेशन ट्रैकर है. तो आप जब लोकेशन आप फाइनलाइज हो जाता है तो यानी कि वहाँ डिसीजन हो गया, ओला बुक हो गया, ओला आप आपका आपके सोर्स सेंटर पर वो पहुँचना इनिशिएट कर दिया. तो इसका मतलब है कि वहाँ डिसीजन कंप्लीट हो गया. फेच करने के बाद लोकेशन फाइनल किया, डिसीजन वहाँ पर फाइनल हो गया, तब आपका वहाँ पर एग्जीक्यूशन इनिशिएट हुआ. ओला आप तक पहुँचा, ओला आपको पिक किया, फिर आपको जिस डेस्टिनेशन तक जाना है उस डेस्टिनेशन पर आपको ड्रॉप कर दिया. इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव था ओला सर्विस अवेलेबल अवेल करने का, वो पूरा हो गया. यू जस्ट बुक एनी प्रोडक्ट ऑन स्विगी, जोमेटो, अगेन देयर इज नीड टू फेच. अब वो आपको फेच कर रहा है, आप फेच क्या करते हैं वहां पर, आप स्विगी और ये जोमेटो इज द सर्विस प्रोवाइडर. तो यू जस्ट फेच द पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, यू फेच द पर्टिकुलर शॉप और स्वीट शॉप, एनीथिंग जहां से आपको प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करना है. बिकॉज वो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर स्विगी या जोमेटो है, वो आपके ऑर्डर के बेसिस पर उस लोकेशन को जाएगा और फिर वहां से आपको आपके लिए प्रोडक्ट आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा. इसका मतलब वहां फेच आप नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं, अगर गलत डिसीजन ले लिए तो प्रोडक्ट गलत भी आ सकता है आपके पास. तो आपको ये भी तय करना होता है कि आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो लॉजिकली कर रहे हैं, फिजिकली नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको वहां पूछ सके कि प्रोडक्ट इज अप टू मार्क और नॉट. तो आप लॉजिकली कर रहे हैं तो फीडबैक आपको चाहिए होता है. तो आपको लगता है कि नहीं, इस रेस्टोरेंट का फीडबैक अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा जो है प्रोवाइड करता है, तो यू जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीडबैक यू जस्ट प्लेस ऑर्डर फॉर दैट रेस्टोरेंट. तो आप ये सारी प्रक्रिया क्या है, इसमें फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि अगर फेच हो गया और डिकोड सही नहीं हुआ तो आउटकम भी अफेक्टेड होगा, ठीक है ना. आपने पैसा निकालने के लिए एटीएम सर्च किया, ठीक है, बहुत सारा एटीएम था, उसमें से एक एटीएम को आपने आप मूव कर गए और उस एटीएम में जाने के बाद आपको पता चला कि उसमें कैश ही नहीं है. तो चूंकि आप उस एटीएम को यूज करने के बाद क्यू में भी खड़े होंगे क्योंकि सारे एटीएम पर रश है,
तो उस एटीएम में क्यू में खड़े होने के बाद भी आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो एटीएम पर वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होने दिया, तो वहां पर कैश अनअवेलेबल था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है, फेच तो आपने सही किया, आपने डिसीजन भी सही बनाया अपने हिसाब से, लेकिन एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? ड्यू टू रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी। तो डिसीजन भी सही था, एटीएम मशीन भी आप गए, क्यू में भी खड़े हुए, लेकिन आपका जो रिजल्ट ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हुआ। तो आई थिंक दैट कि ये तीन वर्ड्स आप किसी तरह से भी भूलेंगे नहीं, कि फेच डिकोड आज के बाद जब भी आप कहीं भी किसी भी असाइनमेंट को रिसीव करेंगे तो उसमें इनिशिएशन इसी तीन वर्ड से करेंगे। यानी हमको सबसे पहले फेच करना ही पड़ेगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको फेच करना पड़ेगा। फेच करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन हमको मिलेगा, उस बहुत सारे ऑप्शन में से आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, और जब आप एक डिसीजन बनाएंगे तो उसी के बेसिस पर आपका फाइनल आउटकम होगा। सपोज अगर आप बीसीए में एडमिशन लेने के लिए डिसीजन बना दिए तो बीबीए का डिग्री मिलेगा, अगर बीबीए में बना लिए तो नहीं मिलेगा, बीकॉम में ले लिए तो बीसीए का नहीं मिलेगा। यानी तीन साल आपको बीकॉम प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए पढ़ना होगा, बीसीए में जब ले लिए तो बीबीए नहीं मिलेगी आपको, यानी कि यू डू नॉट गेट अ पर्टिकुलर डिग्री विच इज नॉट सेलेक्टेड बाई यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो अगेन डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट इन रियल लाइफ, इन कंप्यूटर लाइफ ऑल्सो। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी डे बाई डे वेन एवर यू आर यूजिंग कंप्यूटर यू हैव टू परफॉर्म। लेकिन अब कंप्यूटर में क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दिया गया है। तो फेच यानी सर्च करने का काम किसका है, प्राइमरी मेमोरी का, जो हम लोग रियल लाइफ में खुद करते हैं, हमारा प्राइमरी मेमोरी करता है। डिकोड का काम, इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, ये डिकोड का काम एक्चुअली सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंट्रोल यूनिट होता है। ये कंट्रोल यूनिट डिसीजन मेकिंग करता है, यानी डिसीजन मेकिंग का मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोसेस इसके पास आया उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसमें कोई कंप्यूटेशनल वर्क है या फाइल हैंडलिंग है, रजिस्टर हैंडलिंग है, और एग्जीक्यूशन जो आपका है वो आपके सिस्टम में ALU, FPU एंड रजिस्टर्स के थ्रू होता है। अगर किसी फाइल पर आप काम कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का कंप्यूटेशनल या मैनिपुलेशनल जॉब नहीं हो रहा है, वहां पर केवल डेटा अपेंड हो रहा है, तो उसको केवल रजिस्टर की आवश्यकता है जहां पर उसका एड्रेस टेम्पोरली रहे और जो डेटा आप अपडेट कर रहे हैं वो डेटा को टेम्पोरली रखा जा सके। तो देयर इज नीड ऑफ टू रजिस्टर स्पेसिफिक, एड्रेस रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर, टू कीप द डेटा विच इज अपडेटेड बाई यू एट द टाइम ऑफ पर्टिकुलर अपडेशन एंड टू कीप द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल ऑन विच यू आर अपडेटिंग द डेटा। तो देयर इज एड्रेस रजिस्टर to keep the address of that file and there is data register to keep the data related to the file, jab tak us file par aap work kar rahe hote hain. ALU is the arithmetical logical unit, jisko hum log padhenge, CPU, ye sara details padhenge jo hai, lekin abhi hum log keval is teen word ko discuss kiye. Teen word ko discuss karne ke baad do word aur aap mention kar lijiye, ek ho gaya aapka program kyunki ye isi se related hai. क्या प्रोग्राम को प्रोसेस या प्रोसेस को प्रोग्राम बोल सकते हैं? कंप्यूटर के बेसिस पर मत देगा, ऐसे रियल ऐसे बताइए, ऐसे प्रोग्राम और प्रोसेस को आप जैसे समझ रहे हैं कंप्यूटर में उसको बाद में कोरिलेट करेंगे। क्या प्रोग्राम को प्रोसेस बोल सकते हैं या प्रोसेस को प्रोग्राम बोल सकते हैं? वाई, इसलिए कि दो वर्ड है, सिनोनिम्स भी तो हो सकता है, समानार्थक शब्द भी तो हो सकता है। तो आप बोलिए कि तो प्रोग्राम क्या है, प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है, अभी जो क्लासेस चल रही है प्रोसेस है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है जो शेड्यूल आपको मिला, आपको जो शेड्यूल मिला जिसमें कितने बजे से इतने बजे तक ये पेपर, ये सब्जेक्ट का क्लास होगा, कितने बजे से, ये आपका प्रोग्राम है। वो पैसिव है, वो एक्टिव नहीं है, अभी जो चल रहा है ये एक्टिव है। तो प्रोग्राम इज व्हाट? प्रोग्राम इज द पैसिव एंटिटी एंड योर प्रोसेस इज द एक्टिव। प्रोसेस इज व्हाट? प्रोसेस इज नथिंग, इट इज द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अभी जो प्रोसेस है इसको हम लोग प्रोसेस बोल रहे हैं। रनिंग क्लास इज द प्रोसेस एंड शेड्यूल फॉर द क्लास इज द प्रोग्राम।
So your schedule is the program, and running class on the basis of that schedule is the process. So every program is permanently resided inside the computer in a specific memory known as secondary memory. And what is the name of that secondary memory? That is the hard disk. Your hard disk is the container of programs. लेकिन क्या शेड्यूल में जो लिखा गया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है? शेड्यूल में नहीं हो रहा है. उस शेड्यूल के हिसाब से जब एग्जीक्यूशन यानी जब रीलोकेट आप कर रहे हैं तो आपका जो सेकेंडरी मेमोरी प्रोग्राम है वो बार बार रीलोकेट होता है. यानी आप शेड्यूल के हिसाब से क्लास में लोकेट हुए, घर पर थे, शेड्यूल के हिसाब से क्लास में आए, अब आप उस शेड्यूल के हिसाब से सब्जेक्ट को नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं. इसका मतलब कि एवरी प्रोसेस इज जनरेटेड फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम विच इज रिसाइडेड इनसाइड द कंप्यूटर. ऐसा कोई क्लास आपने अटेंड किया है जो उस शेड्यूल में नहीं है? जो शेड्यूल में है नहीं किए वो अलग बात है ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल फॉल्ट. बट उस शेड्यूल में कोई ऐसा क्लास नहीं है और उस क्लास को आपने अटेंड किया और अदर उस समय के अलावा नहीं किया है, क्यों? इसलिए क्योंकि आपका प्रोसेस उसी प्रोग्राम का होता है जो आपके शेड्यूल में है. तो आपके सिस्टम में जो प्रोग्राम होगा वही प्रोसेस जनरेट होगा. आपके सिस्टम में जो प्रोग्राम नहीं होगा उसके लिए प्रोसेस नहीं होगा. इसका मतलब कि आपके बैग में जो आपने आज नोट्स लेके आए होंगे वही नोट्स बाहर निकलेगा. जो घर पर छोड़ दिए तो कोशिश करने से भी बैग से नहीं निकलेगा, बिकॉज योर बैग इज जस्ट ट्रीटेड एज अ हार्ड डिस्क, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट केप्ट इन योर प्राइमरी मेमोरी, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग बैग विथ योरसेल्फ. तो आप बैग को लेके चल रहे हैं ताकि कुछ कंटेंट्स आप बैग में रख सकें, जो पूरा कंटेंट्स को आप लेकर प्राइमरी मेमोरी में नहीं चल सकते. तो बैग से भी वही जो है नोट्स निकलेगा अपडेशन के लिए, कॉपी में लिखने के लिए, जो आपने बैग में रखा होगा. जो बैग में नहीं होगा वो नहीं निकलेगा. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया तो कोई फाइल बना दिए और फिर एमएस ऑफिस को डिलीट कर दिया, तो आप भी कोई नोट्स बना दिए और अपने फ्रेंड को दे दिए, तो वो नोट्स जिस कॉपी में आपने बनाया होगा वो आपके बैग से नहीं निकलेगा जब तक कि वो आपका फ्रेंड आपके नोट्स को रिटर्न नहीं करता है. Why I discuss these things? Because you just think always the process is created for the program which is available inside the secondary memory. अब यहाँ पर हम जिस process की बात कर रहे हैं वहाँ पर user process की बात कर रहे हैं. There is system process also. So later on when you discuss the operating system, then you discuss it in details. Right now we are discussing about program and process. So process is the program in execution. You can say process is it is the program in execution, and program is what? A finite set of प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम आपका है अ फाइनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और प्रोसेस इज व्हाट? हाँ, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. So process is also program, but it is a program in execution. So you can take the example. For example, what is program? Your schedule is program. Yeah, schedule or routine, you can say class routine. And what is process? Running class. Running class. Ab ye running class kis basis pe hoga? As per schedule. Running class as per शेड्यूल. इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस इज जनरेटेड फॉर द प्रोग्राम विच इज रिसाइडेड इन द सेकेंडरी मेमोरी.
तो इफ देयर इज एमएस वर्ड एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम देन ओनली यू कैन एक्सेस एमएस वर्ड अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सेस एमएस वर्ड तो फॉर एक्सेसिंग एनी प्रोग्राम यू नीड टू इंस्टॉल दैट प्रोग्राम इन द कंप्यूटर एंड व्हेनेवर यू आर इंस्टॉलिंग एनी प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर दैट प्रोग्राम इज डिसाइडेड समवेयर इन द मेमोरी एंड समवेयर इन द मेमोरी मीन्स द मेमोरी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंटली रिसाइडिंग ऑफ द प्रोग्राम तो परमानेंटली रिसाइड करने के लिए कौन सा मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी तो एवरी टाइम यू इंस्टॉल द प्रोग्राम विच इज डिसाइडेड इन द सेकेंडरी मेमोरी एंड व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेस दैट प्रोग्राम रीलोकेट एज ए प्रोसेस दैट मीन्स योर शेड्यूल इज रीलोकेटेड एज द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ रनिंग क्लास तो आपका जो शेड्यूल में जिस टाइम में जिस क्लास का होना है उसी समय में वो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो आपका भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन फेज में आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेज में आता है जो प्रोसेस कहलाता है तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है ये क्या है योर प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी एक्टिव नहीं है एंड योर प्रोसेस इज एक्टिव एंटिटी एक्टिव अभी क्लास जब रन हो रहा है तो ये एक्टिव है आपका शेड्यूल में लिखा हुआ है 11 से 12 ये क्लास होगा ये आपका एक्टिव नहीं वो पैसिव है वो दिख रहा है केवल लेकिन जब उस टाइमिंग के हिसाब से आप क्लास में लोकेट हो गए और क्लास उस पेपर का कंडक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि वो आपका एक्टिव हो गया तो आपके सिस्टम में भी बहुत सारा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है लेकिन जब आप एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं इसका मतलब है कि एमएस एक्सेल है लेकिन एमएस एक्सेल अभी इनएक्टिव है क्यों क्योंकि आप वर्ड प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं जब वर्ड प्रोसेसर का यूज करेंगे तो आपका स्प्रेडशीट इनएक्टिव होगा आप जब स्प्रेडशीट यूज करेंगे तो अदर प्रोग्राम आपका इनएक्टिव होगा यानी जिस प्रोग्राम को आप रिक्वेस्ट देंगे वो प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होगा और हर उस प्रोग्राम का प्रोसेस जब कन्वर्जन होगा तो उसके अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक पीसीबी जनरेट होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी चीज का जब क्रिएशन होता है तो एंड भी होता है जैसे अभी हमारे ये शेड्यूल के हिसाब से ये क्लास शुरू हुआ था तो इस क्लास का एक एंड पोजीशन भी होना चाहिए इसीलिए प्रोग्राम में ये चीज मेंशन किया गया है कि ए फाइनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फाइनाइट वर्ड का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है कि अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं अगर शेड्यूल बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम का फाइनाइटनेस होना जरूरी है एक फाइनाइटनेस का मतलब कि एक समय के बाद उसको टर्मिनेट होना जरूरी है अगर वो टर्मिनेशन पॉइंट के साथ नहीं लिखा गया है यानी कि 11 बजे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम इज नॉट मेंशन देयर 11 ऑनवर्ड्स तो यू आर इन डायलेमा इल्यूजन कम्स इन योर माइंड कि 11 एएम ऑनवर्ड्स मींस व्हाट ऑनवर्ड्स मींस एंटायर डे एंटायर नाइट नथिंग इज मेंशनड हियर बिकॉज देयर इज नो टर्मिनेशन पॉइंट सो दैट्स व्हाई आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं तो योर प्रोग्राम मस्ट बी फाइनाइट वन आपका प्रोग्राम फाइनाइट होना चाहिए यानी घर से जब चले तो फिर घर पर पहुंचना है घर से चले फिर घर को नहीं हो पाए इसका मतलब इनफिनिटी में चल गया ठीक है ना अब घर से चले लॉकडाउन हो गया तो आपका प्रोग्राम कहीं ना कहीं इनफिनिट हो गया आप अब रिसोर्स नहीं खोज पा रहे लौटने का कोई साधन नहीं मिल पा रहा है तो डेट इज व्हाट प्रोग्राम तो सही था लेकिन ये प्रोग्राम फाइनाइटनेस से इनफिनिटनेस की तरफ चला गया अब आपका सिस्टम हैंग करने लगा एक दिन दो दिन तीन दिन कितना दिन वेट करेंगे रिटर्न तो जाना था लेकिन रिटर्न नहीं हो पा रहे तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग प्रोग्राम योर प्रोग्राम तो व्हेनेवर यू आर ओपनिंग एनी फाइल आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल यू हैव टू क्लोज दैट फाइल आल्सो वंस यू क्लोज द फाइल योर पीसीबी इज इनएक्टिव तो पीसीबी इज द कंटेनर ऑफ द डिटेल्स अबाउट द प्रोसेस किसी भी प्रोसेस का पीसीबी जब क्रिएट होता है तो वो प्रोसेस का अलग अलग स्टेट वहां पर मेंशन रहता है तो आप जैसे आपका लाइफ साइकिल है इनिशियलाइजेशन बॉर्न जन्म लिए समय बिताए इस दुनिया में फिर ऊपर चले जाना है तो
ये हमारे साथ कुछ लंबा प्रक्रिया चलता है, ठीक है ना, लेकिन सिस्टम में क्या है कि प्रोसेस क्रिएट होता है और एंड होता है, एंड ऑफ द प्रोसेस, दैट मींस द टर्मिनेशन ऑफ द सेलेक्टिव प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आप यूज करने के लिए सेलेक्ट किए थे उसका टर्मिनेशन हो गया। तो कोई भी प्रोसेस जब आप लिखेंगे तो उस प्रोसेस का स्टेट कितना स्टेट होगा, सबसे पहले न्यू, यानी कि आपका कोई भी प्रोग्राम पहले न्यू स्टेट यानी पहले बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो रेडी होगा, ठीक है ना, रेडी स्टेट, रेडी के बाद ये रनिंग स्टेट में जाएगा, रनिंग में अगर कुछ रिसोर्स अनअवेलेबल होगा, उसको पूरा नहीं मिल पाएगा, तो वेटिंग स्टेट में जा सकता है, ठीक है, और अगर सब कुछ सही रहा तो टर्मिनेशन स्टेट। Are you getting the point? These are the five states of any process. यानी कि जब भी आप कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो ये वो प्रोग्राम इस पांच स्टेट से गुजरता है, that is the life cycle of that process. उस प्रोसेस का लाइफ साइकिल है, और ये एक हर स्टेट जो है वो पीसीबी मेंटेन करता है, कि आपका पीसीबी किसी प्रोसेस का जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि राइट नाउ दैट प्रोसेस इज इन एग्जिस्ट इन विच स्टेट, वो रनिंग स्टेट में है। अब ये रनिंग, वेटिंग, ये जो भी स्टेट हम लोग डिस्कस करते हैं, जब भी कोई प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट पे जाता है तो डेट मीन्स रेडी स्टेट इज मेंटेन बाई प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जब आप फेच करता होगा आपका प्राइमरी मेमोरी तो एक्चुअल में क्या है, उस प्रोग्राम का प्रोसेस क्रिएशन हो रहा होता है, और जैसे ही आपका वो प्रोग्राम का प्रोसेस बन जाता है तो आपका वो प्रोग्राम कहाँ जाता है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट, एंड विच सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडी, क्यू, रेडी स्टेट, दैट इज द प्राइमरी मेमोरी। तो आपका जो भी प्रोसेस है वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेच, यानी कि सर्च कंप्लीट होने के बाद ये प्राइमरी मेमोरी में गया, प्राइमरी मेमोरी के बाद ये कहां जाएगा, रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, रनिंग का मतलब होता है प्रोसेस। तो कोई भी प्रोग्राम जब आप देखते हैं, इनपुट होता है उसके बाद प्रोसेस एंड देन आउटपुट, ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका एक्चुअली सीपीयू फुलफिल करता है। अब ये सीपीयू जो है, इस सीपीयू के अंदर जो अभी हम लोग डिस्कस किए, सीयू भी होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू भी होता है, एंड एफपीयू भी होता है, और रजिस्टर्स भी होता है। अब ये सीयू का पार्ट क्या है आपको पता है, हाँ, सीयू का काम है डिकोड, यानी डिकोड करना, डिसीजन लेना सीयू का काम है। तो सीयू डिसीजन लेने के बाद कोई भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूशन के लिए कहां भेजता है, है ना, फॉर एग्जीक्यूशन। तो एएलयू, एफपीयू और रजिस्टर्स, दीज आर द कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन इनसाइड द कंप्यूटर। तो आपका, आप देखिए, अगर आपका कंप्यूटेशनल या किसी भी तरह का एक्सेशन हो रहा है, उस दौरान किसी तरह का रिसोर्स अनअवेलेबल हो गया, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई फाइल पर काम कर रहे हैं, उस फाइल को प्रिंट देना है, और प्रिंट देने के समय आपका प्रिंटर बिजी है, हो सकता है प्रिंटर को किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व किया गया हो, दूसरे फाइल का प्रिंट कर रहा हो, तो उस केस में आपका वो प्रोसेस कहाँ जाएगा, रनिंग स्टेट से सीधे जाएगा वेटिंग स्टेट में। क्यों जा रहा है वेटिंग स्टेट में, क्योंकि ड्यू टू इनपुट आउटपुट इवेंट वेट, यानी किसी तरह का प्रिंटर या किसी तरह का रिसोर्स के लिए जब वेट कर रहा है, तो वेट करने के लिए कभी भी कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जा सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि किसी तरह का रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी के लिए कोई प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में जाना पड़े। तो फाइनली आपका रनिंग स्टेट से प्रोसेस कहां जाता है, टर्मिनेशन स्टेट, यानी फाइल को ओपन किया, फाइल पर वर्क किया, फिर फाइल को क्लोज किया, जब फाइल को क्लोज किया दैट मींस दैट इज द टर्मिनेशन स्टेट। बट व्हेनेवर यू आर क्लोजिंग द फाइल, बिफोर क्लोजिंग ऑफ द फाइल, इफ सर्टेन रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी इज देयर, देन योर फाइल मूव टू द वेटिंग स्टेट, आपका जो फाइल के लिए जो प्रोसेस क्रिएट हुआ वो वेटिंग स्टेट में जा सकता है। तो वेटिंग स्टेट में जाने के बाद फिर उसको कहां जाना पड़ेगा, रेडी स्टेट में, यानी प्राइमरी मेमोरी में, रनिंग स्टेट में आने के लिए, क्योंकि रनिंग स्टेट में आने के लिए आपका जो
रूट है वो वही है, न्यू के बाद रेडी, रेडी के बाद रनिंग और रनिंग के बाद टर्मिनेशन, ठीक है ना। अगर रनिंग फुलफिल नहीं हो रहा है देन वेटिंग, और फिर वेटिंग से रेडी, फिर रेडी से रनिंग। ये जो वेटिंग स्टेट है ये सिचुएशनल है, यानी कि अगर कोई प्रोसेस को रिसोर्स अनअवेलेबल होता है, जैसे अभी प्रिंटर का एग्जांपल लिए, तो उस केस में आपका वो वेटिंग स्टेट में जाता है, अदरवाइज वेटिंग स्टेट में जाने का जरूरत नहीं है। तो दैट इज द होल सिनेरियो। नेक्स्ट क्लास वी जस्ट कंक्लूड द टॉपिक। तो टुडे आई जस्ट गिव यू द असाइनमेंट कि आप सबके लिए है, आप कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव को, एग्जांपल को आप लिखेंगे कॉपी में अपने, जिसमें फेच डिकोड एग्जीक्यूट को एक्सप्लेन करेंगे कि टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम हाउ द फेच इज इनिशिएटेड, हाउ द डिकोड इज इनिशिएटेड एंड हाउ द एग्जीक्यूशन पार्ट इज इनिशिएटेड, ठीक है ना। तो आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव सोचिएगा, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर यू डिस्कस द पर्टिकुलर फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट, हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट, बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क एनी स्टूडेंट टू शेयर देयर ऑब्जेक्टिव। आप में से किसी को भी बोलेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को शेयर करिए, ताकि आपके पास वो कॉन्टेंट लिखा हुआ हो, शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्लास ऑनलाइन 23 Thank you. Anyone have any doubts related to the today session? So, दो चीज हम लोग डिस्कस किए, fetch, decode, execute और program and process। और जिसको मेमोरी के कंसर्न में भी देखे, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को रिलेट किए कंप्यूटर से। ओके, थैंक यू।